नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर लड़कियों को जहर देकर मारने का आरोप। उनको पूजा अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उसकी आज मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई साहब, क्या नाम आपका, क्या हुआ? मेरा साहब लड़के को जो है ससुराल वालों ने जहर दे दिया। आपका क्या नाम है? मेरा जयप्रकाश, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह गजौला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गजौला पाईमार। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ साहब, लड़के को जहर दे दिया लड़की वालों ने बुला के घर पर। कहाँ का मामला है? हरेवली का, हरेवली थाना सिरकोट। विवाद क्या था आपका? विवाद 5 साल से न्यायालय में वो चल रहा था, उनका दहेज का। हाँ। दोनों आदमी का, लड़की ने बुलाया कि आजा मेरे घर में, आप तुम्हें जाना चाहती हूँ, अपने बाप को भी ले आना। हाँ। बाप को भी ले आना और मैं चली जाऊँगी। हाँ। वहाँ गया, उसकी पहले उसकी मारपीट करी। अच्छा। फिर उसको जहर दे दिया खाने में। लड़के की हालत बिगड़ी, गाँव से बाहर छोड़ गए हम। अच्छा। उसको यहाँ भर्ती कर दिया पूजा में। लड़के की डेथ कब हुई? डेथ कै बजे आज हुई, कै बजे बता दो। ये भर्ती कब करा था आपने? भर्ती परसों रात 10 बजे। तो जहर आया, उसमें जहर दिया था लड़कों? बिल्कुल उल्टी करी तमाम वालों ने भी दिया। अच्छा, जहर दिया। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब कार्रवाई साहब, अब ये चाहते हैं कि सजा वाले को सजा। सर, भतीजा हमारे पास है, जो भतीजा हमारे पास। अच्छा अच्छा, 5 साल से हमारे पास। अच्छा, तो उसमें आप उस नाम क्या उसका बच्चे का? शरद कुमार। आपके भाई का क्या नाम था? अमित कुमार। अमित कुमार, कितनी उम्र होगी भाई की? 33 वर्ष। और की भाभी की क्या उम्र है? नाम तुम्हारी भाभी की भी 28। नाम क्या उनका? नाम क्या? रीतू रानी। अच्छा, रीतू रानी कहाँ की रहने वाली है? हरेवली, हरेवली थाना सिरकोट। आपने कोई इसकी कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट लिखवाई, कुछ नहीं कहा? जी सर, कल भी हम गए थे वहाँ पर थाने में। हाँ जी, और हॉस्पिटल वालों ने उसी दिन रात को सूचित कर दिया था। तो क्या हुआ, पुलिस गई वहाँ पर? नहीं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हम और ये कहने लगे चौकी अपने गए, दरोगा जी को, कुमार जी ये कहने लगे कि यहीं बुला देता हूँ लड़की वालों को, फैसला करा दूंगा, उनकी कोई गलती नहीं है। और हमने बार बार उनसे करीब हमारे तरफ जो है खिलाफ हो गए और पैसा ले लिया उन लोगों से। अशोक कुमार जी ने, दीपक कुमार जी ने, जलालाबाद चौकी, जलालाबाद चौकी। सर, ज़्यादा ही प्रेशर डलवाने पर जी कार्रवाई तब भी नहीं। उनको कह दिया यानी कि जहर खा के कोई बसते है का? जहर खाने वाले अभी मरा क्यों नहीं? मरा कैसे नहीं? और फिर इतना कहने पर भी उन्होंने थोड़ी सी कार्रवाई की, यानी कि चलो मैं आता हूँ, वे नहीं आए, सिपाही आए दो। उनका नाम था नरेंद्र और अमित मलिक। अच्छा जी, दोनों ने इन्फॉर्मेशन ली, तब हालात सही थी जी, बोल रहा था वो सब कुछ, उसने बयान दिए उसी में, और वही बयान बिल्कुल सीओ, वे रिपोर्ट तैयार हुई थी, वे बयान सीओ साहब के यहाँ उस रिपोर्ट के वहाँ जमा है। कार्रवाई नहीं हुई कोई आपके खिलाफ, उनके खिलाफ? आज सीओ साहब के द्वारा जब कार्रवाई हुई थी तो यहाँ पर दरोगा साहब आए, तब भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और डेड बॉडी के सामने 50,000 रुपये ले लिया लड़की और चले गए, छोड़ गए लड़की वाले। तो 50,000 रुपये बता रहे हैं, कितने दोगे हमसे कह रहे थे दरोगा जी ने? हाँ, कह रहे हैं आप कितने दोगे? अभी इन्होंने बहुत कार्रवाई कही, सिपाही के द्वारा भी धोखा दिया गया, यानी रिपोर्ट तो कभी भी हो जाएगी, ऐसा ऐसा कह रहे हैं।